हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा देने वाला गायत्री परिवार इस समय नगर के जल स्रोतों को बचाने के लिए फिर से आगे आया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गायत्री परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर के ही बेलाताल में पहुंचकर गहरीकरण और साफ सफाई का कार्य प्रारंभ किया। ज्ञात हो कि गायत्री परिवार लगातार मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण के साथ ही एक सामाजिक समरसता का संदेश देता रहता है और साथ ही प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए प्रकृति से प्रेम करने का भी संदेश देता रहता है। इसी क्रम में उसने नगर के बेलाताल से अपने साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य प्रारंभ किया, नगर के जल स्रोतों को बचाने का कार्य प्रारंभ किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गायत्री परिवार के जो भाई बहन हैं वह यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। एक साथ एक पंक्ति में वह यहाँ पर लगे हुए हैं। इस संबंध में LNB की टीम से चर्चा करते हुए यहाँ जो स्वयंसेवक हैं गायत्री परिवार के, उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो उद्देश्य और निर्देश तय किए गए हैं कि हमारा देश कैसे स्वच्छ, कैसे रहे, यहाँ के रहने वाले वासी लोगों से कैसे दूर रहें, उसी के अंतर्गत आज सभी परिवार जिला गाँव वालों ने बेलाताल की सफाई करने का बीड़ा उठाया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति द्वार तत्वावधान में आज पूरे भारतवर्ष में गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे सत्य आंदोलन के तहत गंगा जल शुद्ध अभियान के अंतर्गत आज हम यहाँ पे हमारे गायत्री परिवार शक्तिपीठ समूह के सभी भाई बहन सफाई कर रहे हैं यहाँ की, और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप तला में ये जो फूल वगैरह सफाई करना डालते हैं इसको यहाँ ना डाल के किसी खेत में गड्ढे में करके उसको डाल लें ताकि उसकी खाद बन जाएगी, ताकि अपना जो जल भारत में 3% जो जल है ना स्वच्छ बचा हुआ है उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भाइयों से निवेदन यही है कि समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।